Hello students, good morning to all of you. Today I am going to teach you SST subject history, class 9, subject history, chapter 2, and headline of the chapter Socialism in Europe and Russian Revolution, lecture 4. Everybody pay attention on blackboard and open your books and keep in front of you page number 32, 2.3. The headline of the 2.3 is Socialism in Russia. Russia means socialism अर्थात समाजवाद कैसे आया, उस डायनेस्टी सिस्टम के अंदर समाजवाद कैसे प्रवेश किया, इसकी हम कहानी आज देखेंगे। तो आप जानते हैं कि ऑल पॉलिटिकल पार्टी वेयर इलीगल बिफोर 1914, यानी जहां निकोलस जब वहां का शासक था, तो 1914 तक 1914 जो ये फेमस फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1914 तक रशिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां थी ये सभी की लीगल करार कर दिया गया था किंग निकोलस द्वारा, उसको मान्यता नहीं दी गई थी। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फाउंडेड इन 1898 में पहली बार रशिया में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना की गई 1898 में, एंड इट्स मेंबर्स रेस्पेक्टेड मार्क्स आइडिया। इसके जितने भी मेंबर बने सभी कार्ल मार्क्स के विचारों का समर्थक थे, पोषक थे, अनुयायी थे, जो क्रांतिकारी थे। तो समाजवाद रशिया में जो आया वह क्रांतिकारी दलों के द्वारा, रिवॉल्यूशनरी पार्टी के द्वारा। आगे देखेंगे इन रशिया सोशलिस्ट वे आर एक्टिव इन कंट्री साइड। रशिया में आम ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल क्षेत्र में समाजवादी लोग जो थे, देहातों के लोग काफी एक्टिव बन गए। दे फाउंडेड द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी इन 1900 में। समाजवादियों ने 1900 में रशिया में रिवॉल्यूशनरी पार्टी की स्थापना की 1900 में। दिस पार्टी बिगेन टू स्ट्रगल फॉर द पीजेंट्स राइट्स। यह रिवॉल्यूशनरी पार्टी किसानों के हित के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किया और उसके लिए संघर्ष करना स्टार्ट किया। बट लेनिन थॉट वाज दैट पीजेंट्स कुड नॉट यूनाइट। लेकिन लेनिन का यह विचार था, जो समाजवाद का प्रणेता था, समाजवाद का बोल्शेविक पार्टी का लीडर था, उसका कहना था कि रशिया में किसान कभी यूनाइट नहीं हो सकते। ऐसा क्यों? क्यों कहा? क्योंकि सम पीजेंट्स वे आर वर्कर्स एंड सम पीजेंट्स वे आर काफी रिच। सम पीजेंट्स वर्क्स एज ए लेबरर्स एंड सम पीजेंट्स हु आर रिच इंप्लॉयड द लेबरर्स। दैट इज व्हाई द कॉल द लेनिन सेड द पीजेंट्स कुड नॉट यूनाइट टुगेदर। अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट 2.4 देखेंगे। एक टर्बुलेंट टाइम यानी विप्लवकारी समय आया। कैसे? इन 1904 रशिया सफर विथ बैड सिचुएशन। 1904 में रशिया में अकाल पड़ गया, वहां की स्थिति बहुत खराब हो गई। द प्राइसेस रोज, खाने की वस्तु, खाद्य सामग्रियों का, आवश्यकता की वस्तुओं की प्राइस बढ़ गई। बट वेजेज
ऑफ द वर्कर्स डिक्लाइन 20%, लेकिन मजदूरों की मजदूरी 20% घट गई, ठीक उल्टा हुआ। सो वर्कर्स वेंट ऑन द स्ट्राइक टू इंप्रूव देयर वर्किंग कंडीशंस। इसलिए अब वर्कर लोग जो थे स्ट्राइक में चले गए फैक्ट्री छोड़कर अपने इंप्रूवमेंट के डिमांड करने के लिए कि हमारे वेजेज में कमी नहीं की जाए, डिक्लाइन नहीं किया जाए। 1905 लॉन प्रोसेशन रीच द विंटर पैलेस। विंटर पैलेस इज द प्लेस ऑफ द किंग। राजा के विंटर पैलेस में 1905 में मजदूरों का एक प्रोसेशन पहुंचा रोटी की डिमांड करने के लिए, रोजी रोटी की डिमांड करने के लिए। तो क्या हुआ रिएक्शन में? द किंग्स पुलिस अटैक, इट मीन्स जार पुलिस अटैक ऑन द प्रोसेशन। देन 100 वेयर किल्ड एंड अबाउट 300 वेयर ओनली। इस पर राजा की सिपाहियों ने उन्हें गोली चलाई उन पर, और इसमें 100 लोग मारे गए और लगभग 300 लोग घायल हो गए। दैट इज कॉल्ड ब्लडी संडे। इस घटना को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है क्योंकि उस दिन संडे का दिन था और घटना संडे को हुई थी। अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट 2.5 पर आइएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ 1914 में, उसमें रशिया सम्राट की क्या स्थिति थी, कैसे पार्टिसिपेट किया, आप देखेंगे इसको। इन 1914 यानी 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ यूरोप की धरती पर। यूरोप के दो ग्रुप लोग थे, यूरोपीय कंट्री के टू ग्रुप्स थे। फर्स्ट ग्रुप्स दैट इज कॉल्ड सेंट्रल पावर, एंड सेंट्रल पावर कंसिस्टेड ऑफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड तुर्की। सेकेंड ग्रुप अलायंस कंट्री था, अलायंस कंट्री ऑल्सो कंसिस्टेड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। लेटर यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ऑल्सो ज्वाइन इन 1917। आप जानते हैं कि 1917 में लेनिन के नेतृत्व में वहां जो ग्रीन युद्ध चला छीला था, रशिया में ग्रीन युद्ध जो स्टार्ट हुआ था, उस क्रम में नहीं, रशिया युद्ध से अलग हो गया और उसकी जगह अमेरिका नहीं ब्रिटेन के साथ आ गया युद्ध करने। इन बिगनिंग रशियन आर्मी लॉस्ट बैडली। प्रारंभ में रशियन सेना जो थी वह काफी जोर शोर से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वह लॉस करने गई, वह बहुत कुछ हार गई और उसके घर में रशिया के क्षेत्र में जर्मनी सेना घुस गई। अब रशियन सेना देखा कि जर्मनी सेना एक्वायर कर ली रशियन एरिया को, तो क्या की रशियन सेना जो थी वहां अपने ही देश के क्रॉप्स को, फसल को बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, बड़े बड़े पीक पे नहीं डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसा क्यों? अपने देश की धरती के अनाज को जला दिया गया रशिया में रशियन सैनिकों के द्वारा, और अपने देश की बिल्डिंग को तोड़ दिया गया इस ख्याल से कि जर्मनी की सेना इस बिल्डिंग में निवास नहीं करेगी, अस्थाई नहीं रहेगी, और खाने के अभाव, यदि फसल जला देते हैं तो उन्हें भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए भोजन के अभाव में लौट जाएगी। अंडरस्टैंड इट। रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप एंड द बिल्डिंग टू प्रिवेंट द इनेमिक। इनेमिक को रोकने के लिए अपने खेत के फसल को जला दिया गया और बड़े बड़े बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया रशियन सेना के द्वारा। सो फूड स्कार्सिटी बिकेम, जब फसल बर्बाद हो गया तो रशिया में फूड की कमी हो गई, और फूड की कमी हो गई तो वहां के स्थानीय लोगों के लिए भोजन का अभाव हो गया, और एक ऐसा समय आया कि भोजन के अभाव में वहां के लोग नहीं भूखे मरने लगे, शरणार्थी का जीवन बिताने लगे बिल्डिंग टूटने के कारण। वॉर डीपली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिकल एंड द सोशल कंडीशन ऑफ द रशिया बैडली फॉर पीपुल ब्रेड एंड द फ्लावर्स बिकेम स्कार्स।
अब रशिया में रोटी के लिए बड़ी कमी हो गई, रोटी के अभाव में लोग भूखे मरने लगे। इन 1916 राइस एंड द ब्रेड शॉप बिकेम कॉमन। इस प्रकार हम देखते हैं 1916 आते आते वहाँ जो रोटी के लिए जो डरना होता था आपस में अपने देश के अंदर ही, वह सामान्य हो गया, कॉमन हो गया, सामान आम बात हो गई। नेक्स्ट डे